सप्रीत आई होप दैट यू ऑल आर डूंग वेल एंड यू आर प्रिपेयरिंग फोर सी एस डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एग्जाम्स सो इस बार इस वीक का हमने टॉपिक रखा था प्रेपरेशन और दो वीडियोज ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दी हैं अगर नहीं देखी तो जाके देख लो प्लीज ये आर वेरी वेरी यूजफुल सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन थिंग जो जून के बाद बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आई बिकॉज ऑफ यू नो लेस रिजल्ट बहुत सारे बच्चों ने इस चीज़ के बारे में सोचा एंड आई एम श्योर कि आपके मन में भी ये चीज़ आती होगी दैट आई एम आई प्रिपेयरिंग इनफ क्या हमारी जो प्रेपरेशन है वो इनफ है एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है वन दे स्टार्ट देयर प्रेपरेशन या वाइल्ड डूइंग प्रेपरेशन तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो

मेक श्योर sure कि आपने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं बिकॉज स्टडी मटीरियल में से ही पेपर डलता है एंड उसके किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है सो मेक श्योर कि स्टडी मटेरियल का हर टॉपिक आपको आता हो हर टॉपिक आपने पढ़ा हो एंड आल्सो इवन हर एक लाइन हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए बिकॉज स्टडी मटेरियल में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है तो मैं तो यही कहूँगी फर्स्ट इनफ प्रपरेशन के लिए ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि आपने स्टडी मटेरियल के सारे के सारे टॉपिक्स बिना फेल स्टडी किए हैं और कॉन्सेप्ट समझे हैं दूसरी स्ट्रैटी है कीप टाइम फॉर रिविजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस अब भले ही आप कितनी भी प्रेपरेशन करो लेकिन रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस के बिना वो प्रेपरेशन बिल्कुल अधूरी है तो रिवीजन भी टाइम पे करनी है एंड राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है तो इसीलिए आपने जो भी टाइम टेबल फॉलो करना है या जो भी स्टडी रूटीन बनानी है उसमें प्रेपरेशन के बाद रिविज़न एंड राइटिंग प्रैक्टिस का टाइम ज़रूर रखना है ताकि आप अच्छे से यू you नो know, एक इनफ प्रपरेशन वाली जो बात होती है वो करो एंड ऑल्सो जब आप रिविज़न करते हो तो चीज़ें जो है वो रिकॉल होती हैं और जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आंसर कैसे लिखना है तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं प्रेपरेशन के साथ द थर्ड स्ट्रैटेजी इज सॉल्व ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो प्लीज प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ओरली देखने वाला फंडा मत करो उन्हें हमेशा हाथ से सॉल्व करना चाहिए इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हाथ से सॉल्व नहीं करते हो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गो एंड सॉल्व द सेम इन द एग्जाम हॉल तो एग्जाम हॉल में उस कॉन्फिडेंस के लिए आपने ये अश्योर करना है कि जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसके क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखो राइट फर्स्ट प्रेपरेशन में तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए हाँ रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस में आप सिलेक्टिव कर सकते हो दैट इज कंप्लीटली अप टू यू एंड लास्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट डोंट लिसन टू एवरी आजकल इतनी ज़्यादा गाइडेंस है कि बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है बट यू डिसाइड योरसेल्फ ये नहीं है कि हर एक की आप सुनने बैठ जाओ इट इज़ नॉट करेक्ट आई ऑलवेज सजेस्ट दिस कि आपको जिस टीचर से जो अच्छी बातें लगती हैं वो पिक कर लो यू नो पिक एंड चूज़ वाला सिस्टम रखो किसी की हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर पढ़ाते बहुत अच्छा है कोई टीचर गाइडेंस बहुत अच्छा देते हैं कोई टीचर मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं तो इट कम्पलीटली डिपेंड्स ऑन टीचर टू टीचर पर्सन टू पर्सन तो इसीलिए हर एक कि हर कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है बिकॉज दैट एक्चुअली लीड्स टू टू मच कंफ्यूजन ऑल्सो राइट तो इस चीज का भी ध्यान रखो कि हर चीज मत सुनो लेक्टिव रहो क्या सुनना है क्या नहीं सुनना क्या मानना है क्या नहीं मानना बिकॉज दैट ऑल्सो लीड्स टू अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कोई टीचर बोलेगा ये चीज़ ऐसे करो प्रिपेयर कोई टीचर कुछ और बोलेगा लेकिन आपने अपना से रखना है कि भाई मैंने ये चीज़ प्रिपेयर करनी है मैंने ऐसे प्रिपेयर करनी है दैट वे इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल तो इट शुड बी अ मिक्स ऑफ एवरी थिंग राइट मिक्स सम ऑफ आर गाइडेंस एंड सम ऑफ योर डिसीजन कुड लीड टू द बेस्ट प्रेपरेशन एवर तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो डेफिनेटली आई कुड से कि आप इनफ प्रेपरेशन कर रहे हो बिकॉज बच्चों के दिमाग में यह बात कहीं ना कहीं आ गई थी कि इतना पढ़ने के बाद भी क्या हम इनफ प्रेपरेशन कर पा रहे हैं तो अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो डेफिनेटली आप प्रिपेयरिंग इनफ राइट आई होप दिस वीडियो हेल्प्स ये बेसिक गाइडेंस है आपकी इनफ प्रेपरेशन के लिए थैंक यू सो मच अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको इसमें से कौन सा पॉइंट अच्छा लगा एन एल सी यूज सुपर सुन मैं नेक्स्ट वीडियो टिल दिन स्टेपी स्टे ब्लेस एंड कीप द प्रेपरेशन ऑन बाई बाय